वरुण बेवरेजेस और क्यूएसआर कंपनियां क्यों फोकस में हैं, इसकी वजह जानते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए, दुनिया भर की दिग्गज बेवरेजेस और क्यूएसआर कंपनियां जो है उन्होंने अपने नतीजे घोषित करना शुरू कर दिया है, और इन नतीजों को अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो काफी बेहतर है। सबसे पहले पेप्सिको ने अपने नतीजे घोषित किए, और देखिए इनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रही है, और खासकर भारत में अगर आप देखेंगे तो पेप्सिको की जो फूड और बेवरेज कारोबार है उसमें डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बेवरेज सेगमेंट में तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है, लेकिन फूड सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी ढीली रही है। कुल एशिया में अगर आप देखेंगे तो बेवरेज सेगमेंट में करीब 15% के आसपास की ग्रोथ रही है, लेकिन फूड सेगमेंट में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 8% गिर के यहाँ पे आई है। तो ये फूड सेगमेंट जो है वो थोड़ा बहुत दिक्कत भरा है। हालांकि कंपनी आगे की ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश है, और इन्होंने अपना ओवरऑल ग्लोबली गाइडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। आगे जो आय में ग्रोथ का गाइडेंस है 6% से बढ़ा के 8% किया है, और जो कॉन्स्टेंट करेंसी ईपीएस गाइडेंस है उसको 8% से बढ़ा के 9% कर दिया है, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको वरुण बेवरेजेस पे देखने मिलेगा, और इससे वरुण बेवरेजेस के आने वाले नतीजों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। 2 मई को ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करने वाली है, और पेप्सिको का जो बयान है इंडिया को लेके उसको लेके माना जा रहा है कि शायद वरुण बेवरेजेस के नतीजे अच्छे रहेंगे, क्योंकि पेप्सिको का भारत का कारोबार जो है वो वरुण बेवरेजेस संभालता है। दूसरा, मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कंपेरेबल बिक्री जो है उसमें करीब 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। मध्यम और उच्च आय वाले कंज्यूमर जो है उस पर कंपनी लगातार फोकस करते जा रही है, और अपने मेनू में जिस हिसाब से ये कंपनी बदलाव कर रही है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के मार्जिन में भी देखने मिला है, जहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी जो है उसकी गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, और कहीं ना कहीं कुल जो मार्जिन है या फिर कुल जो आय है वहाँ पे इस कंपनी की काफी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो फूड रेस्टोरेंट्स या फिर बेवरेज कंपनीज जो है वो अपने नतीजे घोषित कर रही है, और वहाँ से जो ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। खासकर पेप्सिको ने जो अपने नतीजे घोषित किए हैं उसके बाद अब सभी की नजर है कि 2 मई को जब वरुण बेवरेजेस अपने नतीजे घोषित करेगा तो किस तरह की ग्रोथ वहाँ देखने मिलेगी।